Hi guys, welcome back to Class of Learning. ये तो राहुल शर्मा और जो पहली बार आया हूँ, guys please video को देखिएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्यों जरूरी है इस channel को subscribe करना. And those who have already subscribed, guys, you need to know everything about this video. तो video है किस बारे में, जो हमने click किया, देखते कि सर हमने क्या नाम लिखा होता, वहाँ हमने click किया, हमें कई सारी चीज़ जानी. क्या प्रोसेस था, किसको जानना है, कौन सी एग्जाम्स रहेगी, वो पेपर की प्रिपरेशन पे हमें क्या ध्यान रखना है. एंड दिस क्लास इज ऑल अबाउट टू प्रिपेयर अबाउट दिसंबर 2019. अब दिसंबर 2019 के अंदर हमें पेपर की तैयारी करनी है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू गाइस, सर पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्लीज आप बताएं कि इंजीनियर को कैसे शुरू करेंगे, किन किन चीजों को दिमाग में रखना है. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस. यहां से शुरू करते हैं पहले कि इस क्लास में हमें करना है, हम क्या जानना है. As you can see, there's the name of the novels that we in your course. आपके कोर्स में novels हैं. तो ये novels की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पहले तो क्लियर करना जो सीक्वेंस आपको ब्लॉक्स में दिए वो तो आपको फॉलो नहीं करनी, सीरियसली आपको फॉलो नहीं करनी. फॉलो आपको करनी ईयरली सीक्वेंस ऑफ दिसंबर 2019. अब मैंने कहा दिसंबर 2019 में सीक्वेंस जो फॉलो करनी है, स्टार्ट फ्रॉम कलर पर. तो कुछ चीजें साथ साथ बता जाऊंगा, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई नीड टू मेंशन कि किसके बाद कौन सा करना है, सीरीज ए रही है. याद रखना लास्ट के 2 से 3 आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 से 3 स्किप करने में. लास्ट वाले पहले वाले आपके ऑन टिप पहुंचेंगे. अब आपको क्या क्या बताऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज द प्लॉट समरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको हर नॉवल की प्लॉट समरी ऑन टिप पहुंचेगी. एज इट्स अमेरिकन नॉवल तो पहले क्लियर, जब नॉवल साथ में आता है तो इमेजिनेशन आती है, फिक्टिशियस टर्म्स आती है, जहां पे एक राइटर अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से जो मर्जी ले सकता है, वो कहीं भी कोई भी चीज ला सकता है, डिफाइन कर सकता है. तो हमें ये चीजें ऑन टिप पहुंची. हम पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेजिनेशन को वर्कआउट करेंगे, किसकी, राइटर्स की. तो ये राइटर्स के नाम मैंने सामने मेंशन किए हैं गाइस, आपने राइटर्स की डिटेल जाना है. If you're thinking कि हम सिर्फ उसे नॉवल को जान लेंगे और नॉवल की स्टोरी लाइन क्लियर होगी तो हम कुछ भी लिखाएंगे, नो इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट. क्योंकि यहाँ जो भी राइटर है वो उसकी लाइफ में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर से दिखाने की कोशिश करता है. तो आपको नॉवल के जो राइटर हमारे उनके पूरे कैरेक्टर बेस को क्लियर करना है. वैस नीड टू क्लियर देयर लाइफ कि क्या हुआ, क्या आपको लाइफ में किन चीजों को ध्यान रखना था, उस रिलेटेड क्वेश्चन कन्फर्म पेपर में आता गाइस, प्लीज उसको रोल करें. कम ऑन नेक्स्ट फेज, द फर्स्ट थिंग द प्लॉट. जैसे ही प्लॉट क्लियर करेंगे आप जंप करेंगे सेकंड टाइप पे, दैट इज कैरेक्टर्स. किसी नॉवल को समझ लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके कैरेक्टर्स को क्लियर करना. अगर मैं किसी नॉवल के कैरेक्टर्स को समझ लेता हूं, आर यू एबल टू क्लियर द कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉवल, आर यू एबल टू ग्रैप ओवर द क्वेश्चंस दोज आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दैट. तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं उस नॉवल के कैरेक्टर्स को समझूं, जब मैं कैरेक्टर्स को समझ पाऊं तो मैं हर चीज को जान पाऊंगा, और मेरे लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव काम करने वाला. एंड आई रियली वांट यू गाइस टू डू दैट. कम अप विद द नेक्स्ट फेज, फर्स्ट प्लॉट देन कैरेक्टर्स, उसके बाद हम जंप करते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो डेफिनेटली मैं पेपर से पहले पूरे एक महीने पहले आपको दूंगा, जो आपको करने हैं, जिनको हम नाम देते हैं हमेशा उनसे, सर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम ट्रायल बेसिस देते हैं वो आप ध्यान रखेंगे, वो एक महीने पहले आने वाला है. लेकिन यहाँ पे आज मैं क्लियर करता हूँ कि हम एमईटी लैब की प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं. जैसे मैंने बताया सबसे पहले आप शुरू करेंगे द कलर पर्पस से, इसके अंदर आपको कैरेक्टर्स क्लियर करने, कैरेक्टर जैसे मैंने बोला पहले प्लॉट को क्लियर करेंगे, प्लॉट को क्लियर करने के बाद आप कैरेक्टर्स में जाएंगे, उन कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाएंगे गाइस, एक मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स, देन द रिलेशन बिटवीन मेजर एंड माइनर, उसको कंप्लीटली समझना जरूरी है. Come on the next one, The Catcher in the Rye, one of the most important novel in your course. The Catcher in the Rye, पूरी कहानी उस बच्चे के साथ होंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, how he wants to get out of that life, क्या concept है, इन चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है, वो सब समझना आपने. Then we move to The Great Gatsby, one of my favorite, हाँ, The Great Gatsby, सर कहीं ना कहीं हमने इसको बहुत बार अच्छे से समझ चुके हैं, कैरेक्टर को जानना, दो सोसाइटीज, दो डिफरेंट सोसाइटीज, दोनों ही दोनों सेगमेंट हमें बताए गए, उनको कैसे किए गए, उनके क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब हमें आना चाहिए. तो आपने कहा फर्स्टली द कलर पर्पल, द कैच इन द रे, द ग्रेट गैट्सबी, देन वी कम टू द सिस्टर कैरी. अगर मैं बोलता हूं आपको अच्छे नंबर पास करना हूं 60-70 लाने का, आप एक चार ही ऑन टिप कर लो, इफ अबाउट दीस फोर देन यू आर गोइंग टू क्रैक योर पेपर विद दीस 60-70% मार्क्स.
सिर्फ इन चार के दम पे आप आराम से किए जा सकते हैं एंड आई एम रियली वेरी सीरियस अबाउट इट. कम अप टू नेक्स्ट फेज, दैट इज द लॉस ऑफ मोहिकन्स. सो व्हाट इज द लॉस ऑफ मोहिकन्स, क्या है इसमें? इट्स ऑल अबाउट द सर्टेन पीपल, इज द फोर फाइव पीपल दोस आर लिविंग लाइफ, उनकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस हैं, उनको डिफाइन किए गए चेंजेस क्या रहे, कैसे जमा होता है, क्या सर आप इन सब की वन बाय वन समरी दे सकते हैं. ऑलमोस्ट अपलोडेड है गाइस, ऑलमोस्ट अपलोडेड है, एक या दो नहीं है वो विद इन अ वीक आपको मिल जाएंगे. किसी तरह कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके मुझे डाल सकते हैं, वहां पर मैं उस चीज को डेफिनेटली फॉलो करूंगा. कोई एडवाइस हो तो आप वो भी वहां डालें. कम ऑन नेक्स्ट फेज, अ हाउस मेड डॉन. सर अ हाउस मेड डॉन की बात की जाती है तो इसमें कई सारे डिफरेंट फेजेस हैं जो हमें कैरेक्टर दिए हैं. हाउस मेड डॉन कहीं ना कहीं ना एक ऐसा प्लेयर जो हमें सस्पेंशन रखता है कि आप हो क्या, व्हाट द हेल इज एक्चुअली गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, हमें समझ जरूरी है, क्या मैं उस कैरेक्टर को समझ पाऊंगा, दैट आर यू एबल टू क्लियर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट, क्या उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्या उन चेंजेस को मैं समझ रहा हूँ. अगर वो समझ रहा है तो लास्ट में क्या हो सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द गाय रियली ही आर गोइंग नो कि वो कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर को समझना है. कम ऑन नेक्स्ट वन, द फ्लॉटिंग ऑफेरा. यस द इजिएस्ट एंड द इंटरेस्टिंग वन, द फ्लॉटिंग ऑफेरा. यहाँ पे मैं एक फुल स्टॉप लगाता हूँ जो मैं कहता हूँ कि इसके बाद अगर आपका मन करता है तो आप जाए लाइट एंड एंडर्स और ब्लैक स्प्रिंग पे. मैंने पहले बोल दिया इफ यू रियली वांट टू गो, क्योंकि पेपर 100 नंबर का कंफर्म यहाँ के बाद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दीज टू. ये मेरी एडवाइस थी कि आप कौन से दो स्किप कर सकते हैं, तो लास्ट के टू मैं कह रहा हूँ स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप आते हैं क्वेश्चन, सर क्वेश्चन कौन से आने हैं, तो मैंने जैसा बोला कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर क्लास. लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन आएंगे कैसे. सर क्वेश्चन होंगे थीम बेस्ड, पहले क्लियर करना इस बार जो पेपर में क्वेश्चन आने हैं वो थीम बेस्ड होने लगा है. थीम बेस्ड आपको स्टोरी लाइन की बेसिक थीम पे क्वेश्चन आ सकता है, सच एज द सिस्टर कैरी ओ द कलर पर्पल. यहां से हम जायज रेसिज्म के कॉन्सेप्ट को लेके ला सकते हैं, यहाँ पे उनको ध्यान रखना आपने. आपने कहा सर आपके हिसाब से सबसे पहली चीज थी प्लॉट, देन कैरेक्टर्स, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय वीडियो जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप प्लीज उस वीडियो को देखे अपने नोट्स बनाए. दोबारा ले करता हूँ मेरी वीडियो को देखें, साथ में अपने नोट्स बनाते हैं. अलॉन्ग विद दैट इफ यू डू हैव माय नोट्स, हाँ अगर आप मेरे नोट्स दे चुके हैं तो उनके हिसाब से सिर्फ ऐसे ही प्रिपरेशन करें. इस वीडियो का बेसिक पर्पज क्या होता है कि आप मेरे नोट्स को कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी, आप इसके हिसाब से फॉलो कीजिए एंड फॉलो दिस वीडियो. इस वन टिप बताओ उनको फॉलो कीजिए, यू आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद मैक्स मार्क्स एंड दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर इन सेकेंड ईयर. Yes, please don't forget, इसको फॉलो करना आपने. Then we come to the next phase. Sir, ये notes का जो मंगा था, इसके लिए please आप मेरे को WhatsApp डाल देंगे, you can get the notes. वहां से आपको notes मिल सकते हैं. You have to pay first for the notes. तो यहाँ हम आ गए पहले plot, character, video, जो मेरी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, Classes of Learning पे. You can watch that video and then come up to the next phase. A chart. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमेशा में, यू गाइस नीड टू मेक अ चार्ट. एक पूरा चार्ट बनाएंगे जिस चार्ट में आप कैरेक्टर्स को पूरा डेकोरेट करेंगे, कैरेक्टर्स को डेकोरेट करेंगे, किस कैरेक्टर का किससे लिंक है, कौन सा मेजर कैरेक्टर है, कौन सा माइनर कैरेक्टर है और कौन से बेसिक इश्यूज है. हर लोगों ने कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया है, जिनको हम थीम्स भी बोलते हैं, हम बोलते हैं थीम्स हैं बेसिकली, इन्हीं के चार्ट पर पूरा पूरा नॉलेज चल रहा है तो हमें उसको क्लियर करना है गाइस. One, first of all, we do have the plot. Second, the characters. Characters में आपने पहले के लिए major और minor characters अलग अलग करने हैं, उनमें अलग relationship भी लिए करनी है. Then come up to the next phase, the video along with the notes जो आप ले सकते हैं, कोई problem नहीं है. Then we are having the chart. वो chart बहुत जरूरत है, क्योंकि chart के साथ आप सब कुछ clear करते हैं. And that is the soul of your marks. आपने कहा सर हमारे paper का basis solve क्या होगा, हम present कैसे करते हैं, how we present ours. जैसे हमेशा बोलता है कि नॉवल जहां पे लिखाता है वहां पे राइटिंग स्किल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर राइटिंग स्किल्स. आपकी राइटिंग स्किल्स क्या हैं, किन चीजों को आपको सबसे ज्यादा इंप्रूव करना है और आप कैसे सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्किल्स. आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर,
First of always read the portion carefully and analyze the portion. Please do listen carefully. जब बोल रहा हूँ उसको लिखने। जब भी आप नॉवल आंसर देते हैं, चाहे वो अमेरिकन नॉवल हो चाहे वो ब्रिटिश नॉवल हो, उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर करना है। You guys really need to clear the question. उसके हम एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को। So first thing we need to do is analyze the question. First हम पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। Then we come to the second phase, concept. सर एक पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, बेस फॉर्म करेंगे, किसी भी आंसर के बेस फॉर्म करेंगे और उसको आगे लेके चलना है। एंड द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टी टेस्ट, अब आएंगे आप टेस्ट के ऊपर, जो आप समरी फॉर्म में डिफाइन करते हैं उसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है। तो गाइस तीन चीजें याद रखेंगे ए सी टी किसी भी आंसर को लिखते हुए। फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज कीप वॉचिंग, क्योंकि लास्ट में मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन दूंगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे 10 से 12 क्वेश्चन, जिनको करने यार आप पेपर इजीली क्रैक कर लेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। मिलते हैं, बाय गाइस।